तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा वाइटी। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी के ऊपर चलते हैं, जो कि एक यूट्यूब चैनल के बारे में, जिनके चैनल का नाम है पंडित। और इन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में टेक्निकल गुरुजी को एक्सपोज किया है। एंड वहां पे उन्होंने ये बताया कि टेक्निकल गुरुजी 1 करोड़ रुपए का जो आईफोन गिव वे कर रहे हैं, तो अगर कोई बंदा वो गिव वे जीत भी जाता है तो 1 करोड़ का अगर उसको प्राइज लेना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर 1 करोड़ रुपए का अगर आप सामान कोई गिफ्ट दे रहा है या फिर आप कुछ भी खरीद रहे हो, तो उस चीज का आपको इंडिया में 35% का टैक्स देना होगा। मतलब कि अगर आप टेक्निकल गुरुजी का 1 करोड़ का फोन जीत भी जाते हो, तो अगर आपको इंडिया में वो चीज चाहिए तो आपको 35 लाख रुपए देने होंगे। तो गाइस, 35 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाया है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि टेक्निकल गुरुजी फेक गिववेज करते हैं। तो आइए उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। ये कब देने की घोषणा, जो कि नहीं होने वाली है, कब करेंगे? जब इनके पास 10 करोड़ व्यू आएंगे और 1 करोड़ लाइक आ जाएंगे, और इतने आते ही ये आराम से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लेंगे उस चैनल से। और ये आईफोन किसी को भी नहीं देने वाले। क्यों नहीं देने वाले मैं बताऊंगा, लेकिन और अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो है गिव अवे फर्जी क्यों है और वो क्या कारण है जिसकी वजह से किसी को भी ये फोन नहीं मिलने वाला है। और ये फोन जो है अगर दिया भी जाएगा तो किसी अपने जानने पहचानने वाले को दिया जाएगा। आप और मैं इस फोन को ले ही नहीं सकते। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। आपने इनकम टैक्स का नाम सुना होगा। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि अगर आपको 1 करोड़ 50 हज़ार रुपये से ऊपर का कोई भी गिफ्ट मिलता है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। और अगर आपको 1 करोड़ या उससे ऊपर का गिफ्ट मिलता है तो आपका जो टैक्स होता है वो होता है 33 से 35% के बीच में, 33 से 35% के बीच में। और वो उस आदमी को देना होगा। अगर कोई विदेशी आदमी, दूसरे देश में रहने वाला आदमी, भारत में रहने वाले आदमी को कोई गिफ्ट दे रहा है, तो भारत में रहने वाले आदमी को उस गिफ्ट की वैल्यू पे, यानी जितने रुपए का वो गिफ्ट है, उसका 35% के लगभग टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। यानी अगर आपको ये आईफोन टेक्निकल गुरुजी देने भी आते हैं, जो कि नहीं आने वाले हैं, 110% फर्जी गिव अवे है, लेकिन अगर वो देने भी आते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 35 लाख रुपए का टैक्स जमा कराना होगा, 35 लाख रुपीज का। नहीं कराओगे, आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी, आप पे प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, आपको जेल में डाल देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आप 35 लाख रुपए का टैक्स जमा कराओगे, उसके बाद आपको फ्री में 1 करोड़ का आईफोन मिलेगा। और मुझे, मेरी तो इतनी औकात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक फोन को लेने के लिए 35 लाख रुपए का टैक्स जमा करा दूं। और मेरे ख्याल से जितने भी सब्सक्राइबर टेक्निकल गुरुजी के हैं, उनमें से कोई भी इतना अरबपति खरबपति आदमी नहीं है कि एक फोन के लिए वो 35 लाख रुपए का टैक्स जमा कराएगा। अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है एजाज खान के बारे में। एंड आप में से बहुत सारे लोग एजाज खान को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इनके यूट्यूब पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एंड रिसेंटली इनको अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इनको अरेस्ट इसलिए किया गया है बिकॉज इनका कनेक्शन ड्रग माफिया या फिर ड्रग गैंग से था। एंड अभी तक इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कोई भी अपडेट नहीं दिया है, बट जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है शुभम राजपूत एंड सोफिया अंसारी के बारे में। तो गाइस, अभी में शुभम राजपूत ने सोफिया अंसारी के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को सोफिया अंसारी ने भी देखा एंड उनको वो वीडियो पसंद नहीं आया। तो जो सोफिया अंसारी के मैनेजर हैं, वो शुभम राजपूत को कॉल करते हैं एंड कॉन्फ्रेंस में सोफिया अंसारी भी रहती हैं। एंड वो ये कहती हैं कि आप मेरे वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर स्ट्राइक दे दूंगी या फिर आपके ऊपर FIR कर दूंगी। एंड उसके बाद शुभम राजपूत की जो वीडियो थी वो यूट्यूब से टर्मिनेट हो जाती है। तो इसी के बारे में उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ कहा है, तो आइए उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। बोलना चाहते हूँ कि इन्होंने जो भी मेरे पे वीडियो बनाया है, फिलहाल पहली बात इन्होंने मेरे से बिना परमिशन पे बनाया है, ठीक है। और दूसरी बात ये, मुझे ऐसा बोल रहे उस वीडियो में कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए। पहली बात तो कब बोला मैंने, पूरी पूरी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कब बोला कि इसको किससे कैसे कपड़े पहनने चाहिए कैसे नहीं पहनने चाहिए, ऐसा बोला बोला कब मैं? काफी आप उनको बोल दीजिए, अगर आपको अगर ऐसे नहीं मान रहे कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। साइबर क्राइम में केस किया है, उठाओ भाई मेरे को, उठा लो भगवान। मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरी आवाज़ की यूट्यूब कॉपीराइट में ये है कि 30% से ज्यादा हम किसी का 30% से कम हम किसी का भी वीडियो यूज कर सकते हैं विदाउट हिज और हर परमिशन। तो मैंने किया है, ठीक है। अगर वो बंदी डायरेक्टली आगे मेरे को बोलती कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने डायरेक्टली मेरे को स्टोरी पर डाला कि मैं केस कर रही हूँ व्हाटएवर ये वो, लाइक सी मैंने पूरा लीगली मैं चलाऊ, मेरा सेंसिबली रोस्ट है, मेरे यूट्यूब पे भी दिखाया गया है कि पूरा सेंसिबल। अगर चाहता तो यूट्यूब खुद डिलीट कर देता। एक मिनट, दो भाई साहब, स्टोरी पे क्या डाला है पता है तुझे? के बारे में क्या लिखा तुझे पता है? फिर देखी तुझे अभी चीजें करो, पुलिस से भी देखा है। बताओ क्या लिखा है? साइबर क्राइम के साइट पर भी है। क्या लिखा बताओ, क्या लिखा है बताओ ना। मुझे बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं लगा है, मुझे पता अभी कौन सा कंटेंट डालना है कौन सा नहीं डालना है,
ओके पहले फील हो जाए, पहले फील हो जाइए। मैं शांति से बात कर रहा हूँ ना, समीर मार्क एंड एल्विस यादव के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि इन दोनों के बीच में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। तो अभी मैं समीर मार्क की तरफ से ये जो कंट्रोवर्सी थी वो एंड हो गई थी। फिर कुछ देर बाद समीर मार्क ने एल्विस यादव की 3 या 4 साल पुरानी वीडियो का स्वाइप अप देते हुए ये कहा कि अब तुम सभी देखो ये बंदा कैसे गरीब लोगों को कुछ नहीं समझता। एंड उन्होंने वो वाली वीडियो का स्वाइप अप डाला था जहाँ पे एल्विस यादव का एक बार कार एक्सीडेंट हो जाता है एंड वहाँ पे उनको मारने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी होगी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उस चीज को देखने के बाद एल्विस यादव कुछ ये कहे, तो पता क्या अब ना वीडियो आ रही है मेरी, ठीक है। तो भाई माँ की कसम मैंने सोच लिया था कि समीर जाओ भाई अपनी ऐसी में इन सब चीजों में नहीं पड़ते, ये कंट्रोवर्सी वगैरह बेकार चीजें होती है। पर ना भाई हमारे समीर भैया के चैन नहीं है यार, ये एक स्टोरी डालता कि खत्म करते हैं चीजें, मैं एंड करना चाहता हूँ, फिर अगली स्टोरी में फिर छेड़ देगा। तो पता क्या अब ना वीडियो आ रही है मेरी, ठीक है। तो भाई वीडियो आएगी बहुत जल्दी, उसका वेट करना, ठीक है समीर भैया। भाई मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी बहुत लंबी चलने वाली है, बिकॉज सम्राट भाई एंड लक्ष्य चौधरी भी इनके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। अब देखो आगे से कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर थे उन्होंने न्यूज सबमिशन में भेजा था। उनका ये कहना है कि अभी जो महाराष्ट्र में 10th या फिर 12th के एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जाम्स को ऑफलाइन न दे करके ऑनलाइन देना चाहिए, बिकॉज अभी में जो कोरोना का केस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र के जितने भी 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम ऑफलाइन न लेकर के ऑनलाइन लिया जाए। तो गाइस आप लोगों का इसमें क्या ओपिनियन, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड अगर आपके पास भी कोई भी न्यूज आती है तो आप मुझे उसे न्यूज सबमिशन में भेज सकते हो, एंड उस न्यूज के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन भी कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।